एक से एक बढ़कर गहरी आज कहाँ मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हिंदुस्तान में थिएटर एक ऐसा मजबूत मीडियम रहा है जिसका इस्तेमाल तकरीबन तमाम लोगों ने मुख्तलिफ शक्ल में किया है। ज़माने कदीम से ही इसकी मुख्तलिफ शक्लें हिंदुस्तान में मौजूद रही हैं। 19वीं सदी के वस्त से लेकर अब तक जिस ज़बान में थिएटर ने काम किया है वो उर्दू है, लेकिन इसको वो मकाम नहीं मिल सका जिस पर इसका हक था। इन्हीं बातों को मद्देनज़र रख कर आपके सामने मैं हाजिर हुआ हूँ लेकर उर्दू थिएटर एक सफ़रनामा। इस सफ़र में हम उर्दू थिएटर की इब्तिदा से लेकर अब तक के सफ़र पर नज़र डालेंगे, ये देखेंगे कि किन मदारिज से होकर उर्दू थिएटर गुज़रा, इसने हिंदुस्तानी थिएटर को किस मकाम तक पहुंचाया। लेकिन इससे पहले ये मुनासिब मालूम होता है कि हम ये सब देख लें कि उर्दू थिएटर से पहले हिंदुस्तान में थिएटर की सूरत हाल क्या थी। हिंदुस्तान में थिएटर पर नज़र डालते हैं तो पाते हैं कि ड्रामा या थिएटर की इब्तिदा हिंदुस्तान में ही हुई। हाँ, कुछ लोग थिएटर की अव्वलियत का सेहरा यूनान के सर बांधते हैं, लेकिन यह मसला अभी तक हल नहीं हो सका है कि ड्रामा पहले यूनान में खेला गया या हिंदुस्तान में। ड्रामा पहले यूनान में खेला गया हो या हिंदुस्तान में, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि इल्मी सतह पर जब भी बेहतरीन ड्रामे की फहरिस्त तैयार की जाती है तो उनमें कालिदास का नाटक शकुंतला का नाम जरूर आता है। अगर ड्रामे से मुताल्लिक उसूल व नज़रियात की तरतीब पर गुफ्तगू करते हैं तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को अव्वलियत का सेहरा हासिल होता है। इस तरह हमें ये मानना पड़ता है कि हिंदुस्तान में ड्रामे की रिवायत कदीम दौर से ही रही है। भारतीय नाट्य परंपरा काफी प्राचीन है। हमें कहा जाता है कि 2nd century BC में भरता नाट्य शास्त्र ने लिखा है, तो वो नाट्य परंपरा लगभग 10वीं 12वीं सदी तक चला आई। 11th, 12th, 13th centuries में जो भी राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक उथल पुथल हुई उसमें द डिजनरेशन ऑफ दैट ग्रेट ट्रेडिशन ऑफ सांस्कृतिक थिएटर शुरू हो जाता है। उसके बाद 13वीं, 14वीं सदी में भारतीय भाषाओं में, इंडियन लैंग्वेजेस में नाटक, लोक नाट्य परंपरा मध्यकालीन में जो एक वाइब्रेंट थिएटर फॉर्म प्रैक्टिस में थे, और अब हम लोग 18th century से लेकर वी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द मॉडर्न थिएटर ट्रेडिशंस फ्रॉम द वेस्ट, पश्चिम से जितने भी नाट्य सिद्धांत आया या द इंडिया में जो मॉडर्न डेवलपमेंट हुई उसके साथ साथ बहुत सारे बदलाव थिएटर में आया। बट अनफॉर्चुनेटली संस्कृत भाषा में अध्ययन कम होता हो गया, इसलिए संस्कृत नाट्य परंपरा को एक तरह से आज़ादी के बाद हबीब तनवीर जैसे नाट्य निर्देशक, विवेक कारंत, हबीब तनवीर जैसे लोग फिर दोबारा अपना पारंपरिक नाट्य कला के ओर ध्यान दिया, और एक तरह से समकालीन समाज में संस्कृत नाट्यों को एक मीनिंगफुल प्रोडक्शंस कैसे बन सकते हैं, ये इन लोगों ने दोबारा नाट्य शास्त्र ट्रेडिशन में जाके वो प्रस्तुतियाँ तैयार किए हैं। तपस्य स्त्रीणाम् अशिक्षितपटुत्वा
अमानुषीषु संदृश्यते। अनार्य आत्मनो हृदयानुमानेन प्रेक्ष्यसे। हमने देखा कि किस तरह कदीम दौर से लेकर अहदेवस्ता तक संस्कृत ड्रामों का बोलबाला रहा। ये रवायत दरमियान में मान जरूर पड़ी, लेकिन इसकी जड़ें लोक रवायतों में पेवस्त हो गई। इस दरमियान हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ लोक रवायतों ने न सिर्फ आवाम के दिलों में घर कर लिया, बल्कि उनके इजहार का वसीला भी बना। इनमें से बाज़ रवायतों ने मजहबी जज्बात व अकीदत के इजहार की सूरत अख्तियार कर ली। हम जानते हैं कि ड्रामे की इब्तिदा मजहबी जज्बात के इजहार की गरज से हुई थी, लेकिन बाद में हर तरह के जज्बात और ख्यालात के इजहार का जरिया बना। यही वजह है कि रासलीला, रामलीला, छाव, अनकिया, भगत, जात्रा, यक्षगान वगैरह अकीदतन पेश किए जाने लगे। रावण लंका का महाराजा, रावण देवताओं का अन्नदाता, लोकपालों का इष्टदेव, दानव, धनुष और दैत्यों का स्वामी, काल अबों का नहीं मेरे पैरों का गुब्बार है, इंद्र अबो इंद्र नहीं मेरी ठोकर का ठुकरा हुआ आज्ञाकार है, बड़े दिन काटते हैं यंबरों मेरे सहारे पर, कुबेर और अश्विनी पलते हैं मेरे गुजारे पर, खड़ा रहता है विष्णु हाथ बांधे मेरे द्वारे पर, निरंतर नाचता है काल भी मेरे इशारे पर, गुस्सा खड़ी भर जो मेरी आंखों में छा जाए, मही डोले हिले पर्वत सकल संसार थर्राए। प्रभु अब तो मेरी खबर लो, अब तो मुझे इस दुष्ट के बंधन से छुड़ाओ, हो गई है कल्प से बढ़ बढ़ के एक एक पल मुझे, अब घड़ी भर भी स्वामी नहीं पड़ती है कल मुझे, क्या कहूँ किससे कहूँ, सुनता है मेरी बात को, मृत्यु भी जब भागती है फिर निभाए साथ कौन। मिर्ची उतनी सरलता से नहीं मिलती सीते, तुझे अभी मेरे लिए और जीवित रहना है, नहीं कह सकता तेरे रूप में न जाने क्या आकर्षण है, जो दिन रात मेरे हृदय में तेरे प्रेम की ज्वाला दहकती रहती है, है आज तेरे ऊपर तन मन धन निछावर मेरा, तू मेरी होकर रहेगी कह रहा है मन मेरा। पापी दुष्ट, मैं तुझसे फिर कहती हूँ, मान ले कहना, ना हो तैयार अपने नाश पर, थूकता है किस लिए अज्ञानी तू आकाश पर। मूर्ख स्त्री, यह धर्मी छल और मेरा कहा मां, मैं तुझे सम्राणियों से ऊंचे स्थान दूंगा, पृथ्वी की कठोर छाती पर राम राम लिखने से कुछ नहीं होगा, उधर का ध्यान छोड़ मेरी तरफ दे, एक बार देख तो सही, नहीं देखेगी उस राम की रट नहीं छोड़ेगी, देखता हूँ तेरे राम को। अरे पापी, पैरों से प्रभु का नाम रौंदकर तू उनका अस्तित्व मिटा नहीं सकता, तू उनको देखने की बात करता है नराधम, तू उनके बाणों के आगे ठहर भी ना पाएगा। मूर्ख स्त्री, तू मेरा पान करती है, मैं तेरा सर अभी उड़ाता हूँ। शोक, महाशोक, लंका नरेश होकर ये अनुचित कार्य शोभा नहीं देता, आज जिस नाम से ब्रह्मांड भी भयभीत है, एक अबला कर उठाए हाथ ये अनुरीत है। अच्छा मंदोदरी, तुम्हारे कहने से मैं हाथ रोकता हूँ और इसको एक महीने का समय और देता हूँ, या तो ये सीधी राह पे आए और मुझे अपनाए, वरना मैं इसे अपने क्रोध की अग्नि में
स्वयं छोड़ दूंगा। हम लंकर से हमने देखा कि किस तरह लोक नाटकों के जरिए मजहबी जज्बात व अकीदत का इजहार किया गया। बाद में इन रवायतों ने न सिर्फ तफरीह का सामान मुहैया किया बल्कि रोजी रोटी का जरिया भी बना। इन लोक नाटकों में भांड, नकल, नौटंकी, विदेशिया, तमाशा, भांड पाथर वगैरह ने तफरीह के साथ साथ मकासिद के इजहार का वसीला भी बना। इन नाटकों में मजाक के साथ साथ तंज का अंसुर भी नुमाया होता है। लोक नाटक किस कदर पुरअसर होता है? इन नाटकों में हिस्सा लेने वाले फनकारों में ज्यादातर अदाकार जज्बाती होते हैं, तो कुछ फनकार सवाब हासिल करने के लिए उसमें हिस्सा लेते हैं। लोक नाटक खेलने वालों की कई मंडलियां ऐसी हैं जिनका पूरा खानदान इससे मुंसलिक है। देखो, ये भांड पत्थर जो है कश्मीर का सिर्फ वैली का एक लोक नाट्य है और ये बहुत हज़ारों साल पुराना कहते हैं और इसके बारे में लिखा गया है, राजतरंगनी में है, नीलमत पुराण में लिखा गया और जितने भी उसके बाद मिडिवल पीरियड में शायर, बड़े बड़े शायर हुए, उन्होंने कहीं ना कहीं इसके बारे में ज़रूर लिख के रखा है, अपने पोएम्स में इसका जिक्र किया है, तारीफ़ की है। और ये शैली जो है ओपन एयर होती है, मुक्त आकाशी होती है और वहाँ पर आप देखेंगे कि वही पंचवाद्यम होगा, ढोल होगा, नगारा होगा, शहनाई होगी और एक झांझ होगा। ये जो बिल्कुल साउथ में भी आपको पंचवाद्यम मिलेगा। उसके अलावा इनकी जो स्पेस करने की होती है वो गाँव के किसी चौराहे पर या किसी दरगाह के उर्स के दिन होता है, या अगर फसल कटी है तो तब लोग जाएंगे गाँव गाँव में करते हैं। और इनको यजमानी जैसी होती है तो इनको बहुत सारी चीज़ें काइंड में मिलती हैं। हिंदुस्तान में संस्कृत ड्रामों ने एक लंबी पारी खेली। संस्कृत ड्रामों के जवाल के बाद लोक नाटकों ने मुख्तलिफ सूरत में, मुख्तलिफ जबानों में इसे तेजी से आगे बढ़ाने का काम किया, बल्कि एक कदम आगे बढ़कर समाज से बराह रास जोड़ने का काम भी किया। यही वजह है कि अब लोक नाटकों में समाज और सियासत दोनों को मौजू बनाया। लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि संस्कृत ड्रामों को सिरे से भुला दिया गया। संस्कृत में ड्रामा और थिएटर की बहुत मजबूत रिवायत रही है। संस्कृत जुबान में लिखे गए ड्रामों को न सिर्फ उस जमाने में मकबूलियत हासिल थी बल्कि आज भी हिंदुस्तान की मुख्तलिफ जुबानों में उसके तराजीम खेले जाते हैं। दुनिया की तकरीबन तमाम तर तरक्की याफ्ता जुबानों में उसके तराजीम हो चुके हैं और ये सिलसिला हुलूस जारी है। जंगल जंगल मारे फिरो, उसके बाद पियो पेड़ों से आता हुआ बेस्वाद कड़वा गर्म पानी, इतने पर भी मेरा गम खत्म नहीं होता, चले गाल पर फोड़े की मार। गिजाले का पीछा करते करते राजा पहुंच गए शकुंतला नाम की हसीना की हुस्न की कैद में, उसको देखने के बाद वापस जाने का नाम ही नहीं लेता। शकुंतला के दीदार के बाद दिल को इस जंगल से रुखसत होने से सख्त इनकार, जिस मांगे जाता है दिल पीछे की ओर आता है और ये कदम आगे ही नहीं बढ़ते। हाथ में तीर कमान, दिल में हुस्न यार का जलवा, गले में फूलों की माला, ख्यालों में हुस्न जमाल की हाला, आए कुछ ना कुछ तो है गड़बड़ झाला, इश्क ने हमें निकम्मा कर दिया वरना बादशाह हम भी थे काम के। मसले यार मोहाल नहीं, फिर भी उसके दिल की हालत से अपने दिल को तसल्ली दे सकता, तमन्ना पूरी ना भी हो पर इतना तो मैं इत्मीनान के साथ कह सकता हूँ कि दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई, मोहब्बत की लवली चश्म दूसरी तरफ देखकर करती हुई, दरख्तों की आड़ में छुपकर कनखियों से देखना, निगाह मिलने पर अपने गिजाले चश्म को इधर उधर झपका लेना, अपने भारी गुलों के भार से मदमस्त रफ्ता रफ्ता खिराम कर गई। देखिए,
जिस तरह आबे को फेंककर जमीन पर ही आता है, उसी तरह आप भी रफ्ता रफ्ता उस हसीना के झोपड़ के पास पहुंच गए हैं। ये क्या, वो दरख्त के नीचे वो महजबी लेटी हुई, मगर अफसोस अपने हमसायों से घिरी है। कमलिये के पत्तों की हवा से कुछ सुकून मिला? तुम लोग मुझे यूं हवा कर रही हो, बड़ा सुकून मिल रहा है। अनुसुईया, उस राजश्री के पहले इंतजार के बाद से ही शकुंतला की ये हालत हुई है ना? मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्यों ना इससे पूछ ले। मेरे महबूब का कितना बुरा हाल हो गया है। शकुंतला हम लोगों ने उर्दू में किया था, एक प्रोडक्शन उर्दू में किया, उसके बाद एक उसी को एक डांस ड्रामा जैसे हमने किया था क्या कि नरेंद्र शर्मा के डायरेक्शन में, और वो हिंदी में था, तो दोनों प्रोडक्शंस हुए थे उर्दू और हिंदी में। हाँ, उर्दू में जब हमने शकुंतला किया तो बहुत क्रिटिसिज्म आए कि उर्दू में कैसे किया, आली जहाँ इस तरह के टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल हुआ करता था। तो एक ऋषि का आश्रम या एक जैसे शकुंतला की शादी होती है दुष्यंत के साथ एक राजा, तो ये लोग कैसे उर्दू बोल, ये बात नहीं है। शकुंतला तो रशियन में भी हुआ है, अंग्रेज़ी में भी हुआ है, ऐसी बात नहीं है, किसी भी ज़बान में हम कर सकते हैं, तो उर्दू में क्यों नहीं कर रहे हैं? वो तो हमारी ज़बान है, हिंदुस्तान की ज़बान है। संस्कृत ड्रामे और लोक नाटकों ने मिलकर हिंदुस्तान की तहजीब व सकाफत की सूरत ही बदल दी। लोक नाटकों ने कई सतहों पर काम किया, यानि तफरीह, अकीदत व जज्बात का इजहार और रोज़ी रोटी का सामान मुहैया करना। दूसरे अल्फाज में ये कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान में संस्कृत नाटकों के बाद जो खिला पैदा हुआ था उसे इन लोक नाटकों ने पूरा किया, और इन्हीं लोक नाटकों से तफरी पाकर उर्दू ड्रामे की इब्तिदा हुई। ठान गंगा की ठाने जी, अरे हमारी एक न माने ये भले छत्री रणबंका और घाट गंग के ऊपर चाहे बजाना। लोक नाट्य शैली इंडिया का हर प्रदेश में है, जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू टेक फ्रॉम केरला तमिलनाडु नागरकोइल, वहाँ पे तेरुकूत है, जो केरला में बहुत सारे ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म्स है, यक्षगान है कर्नाटक में, उड़ीसा में, सभी अप टू जम्मू कश्मीर पतेर बाण पत्थर है जम्मू कश्मीर में, हर रीजन में एक बहुत स्ट्रांग लोक नाट्य परंपरा अब भी जीवित है। वो दिल्ली बॉम्बे कलकत्ता जैसे मेट्रोपॉलिटन टाउन में मिलेगा नहीं, क्योंकि वो दिल्ली बॉम्बे कलकत्ता बेंगलोर इंडिया नहीं है, इंडिया असली इंडिया तो गांव में, वहाँ पे वो लोक नाट्य शैली अभी भी कायम है, अभी भी प्रैक्टिस किया जाता है और लोगों को जीवन के साथ जुड़े हुए हैं, कहीं हॉल में जाके टिकट खरीदने वाली नहीं है, वो उनका लाइफ स्टाइल में जुड़ा हुआ है, उनका रिचुअल्स उनका रीति रिवाज के साथ है, तो हर रीजन में वो लोक नाट्य शैली अभी भी जीवित है। तो आइए अब हम उर्दू नाटक की इब्तिदा और इर्तिका पर नज़र डालते हैं। उर्दू ड्रामे के इब्तदाई नकूश हमें नवाब वाजिद अली शाह के यहाँ मिलते हैं। नवाब वाजिद अली शाह रक्स और मौसीकी के न सिर्फ रसिया थे बल्कि इन फ़नून का अच्छा खासा इल्म रखते थे। इस सिलसिले में उन्होंने अपनी किताब बनी में नहायत बारीक बीनी से लिखा है। उर्दू में ये पहली किताब है जिसमें ड्रामे और रक्स की पेशकश से मुताल्लिक उसूल व ज़वाबित तहरीर किए गए हैं। वाजिद अली शाह ने जब राधा कन्हैया का किस्सा पेश किया तो इस उसूल को वाज़े किया।
जिसे बाद में किताबी सूरत में मटिया बुर्ज से शाये किया। वाजिद अली शाह के दौर में फनून लतीफ़ा, शेर व नगमा और रक़्स व सुरूद को खासी अहमियत हासिल थी। नक्काली, लीलाएं, नौटंकी, स्वांग और इस्लामी नज़मों की मुख्तलिफ असनाफ स्टेज पर पेश किए जा रहे थे तो दरबार में रक़्स व सुरूद की महफिलें आरास्ता हुआ करती थीं। माहिरीन फ़न और दूसरे फ़नकार दरबार में बाज़ाब्ता मुलाजिम हुआ करते थे। कहा जाता है कि रासलीला की महफिलें देखकर सुल्तान को ख्याल आया कि शाही रक़्स व नगमा की मजालिस को भी इसी अंदाज पर आरास्ता किया जाए। चुनाचे उसी तर्ज पर गाने बजाने के जलसों में कृष्ण लीला की तमसील व अदाकारी भी राइज होने लगी। जरकार और लिबास की तैयारी पर लाखों रुपए सर्फ किए जाने लगे। उन मजालिस को बाकायदा स्टेज पर पेश किया जाने लगा और उसका नाम रहस्य रखा गया। ओ मोरी रानी महारानी राधा रानी कैसे बजाऊं? हम कुबरी से आपके लिए मुरली ले आए हैं। शुरू शुरू में ये खेल सिर्फ कृष्ण और गोपियों के नाच गाने तक महदूद थे और रक्स के मुख्तलिफ अंदाज इसी रंग में पेश किए जाते। इन्हीं अंदाजों में एक 36 एजादी रहस है। इसी तर्ज पर उन्होंने राधा कन्हैया का किस्सा लिखा। इसका एक हिस्सा लखनऊ में खेला गया और मुकम्मल सूरत में ज़माने असीरी में कलकत्ता के मटिया बुर्ज में पेश किया गया। नाज़रीन,
کلکتہ کے مٹیا برج میں پیش کیے گئے ڈرامے میں رادھا کنہیا کا قصہ کی خاص بات یہ ہے کہ واجد علی شاہ نے اسے مکمل صورت میں ہی نہیں پیش کیا، بلکہ اس کے لباس اور زیبائش کو تیار کرتے وقت بنگال کو ذہن میں رکھا، اور یہی وجہ ہے کہ اس میں نہ صرف بنگالی لباس کا ذکر کیا گیا ہے بلکہ زیورات پر بھی بنگال کا اثر صاف صاف دکھتا ہے۔ تو آج ہم اپنا سفر یہیں ختم کرتے ہیں۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم ڈرامہ اندر سبھا اور اس سے متاثر ہو کر لکھی گئی دوسری سبھاؤں پر نظر ڈالیں گے۔ خدا حافظ۔ Thank you.